तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मी टीवी ES 2022 एडिशन के बारे में कि ये टीवी दोस्तों ऑफिशियली रिलीज कब होगी, मतलब इंडिया के अंदर लॉन्च तो हो चुकी है पर इसकी मतलब सेल स्टार्ट कब से होगी और प्राइस क्या होगी और सारी स्पेसिफिकेशन और सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में इस टीवी के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपने इसके बड़े भाई को नहीं देखा है, मतलब कि इसी टीवी के बड़े वर्जन, मतलब कि हाई वर्जन, मतलब हाई एडिशन के बारे में, मतलब कि महंगे वाले मॉडल के बारे में आपने नहीं जाना है, तो वो है दोस्तों मी टीवी 6 एक्सट्रीम एडिशन। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर जाकर देखिएगा। और वो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी करके बताइए कि वो टीवी कैसी लगी और उसके फीचर्स कैसे लगे आपको। तो दोस्तों, मी टीवी ES 2022 के अंदर आपको मतलब कि मल्टी जोन बैकलाइट पार्टीशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों 55 इंच वाले मॉडल के अंदर 32 पार्टीशन और 65 इंच मॉडल के अंदर आपको 45 पार्टीशन। और वहीं अगर 75 इंच मॉडल की बात करता हूँ कि उसके अंदर कितनी पार्टीशन मिलेगी आपको बैकलाइट वाली, तो वो है दोस्तों 60 पार्टीशन देखने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपको कॉन्ट्रेस्ट, ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी हो जाती है उसकी मदद से। और दोस्तों, इसके अंदर आपको इसने मतलब कि मीडिया टेक का 9638 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर दोस्तों आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और कवर्स दोस्तों ये है ना, एक कवर्स 94% DCMI 3, मतलब कि दोस्तों 94% कवर कर लेता है DCMI 3 को। और इसके अंदर आपको MEMC की टेक्नोलॉजी भी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों, इसकी प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छे हैंगे दोस्तों, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इस टीवी के अंदर आपको Xiao AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। पर दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता है Xiao AI क्या हो सकता है। अब दोस्तों, तो ये टीवी के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि Xiao AI क्या है। हमें तो लगता था Xiaomi हो सकता होगा, पर दोस्तों ये तो कुछ नया ही हैगा, Xiao AI वॉइस असिस्टेंट, मतलब जिससे आप अपने वॉइस से असिस्ट कर सकते हैं। असिस्ट मतलब कि आप कुछ भी टीवी के मतलब कि जैसे बोल के आप कुछ भी चला सकते हैं टीवी के अंदर। इसमें आपको दोस्तों 2GB की रैम और 32GB स्टोरेज देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों, इसके अंदर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो सारी कनेक्टिविटी तो मैं नहीं मिलती, पर दोस्तों इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई का दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर मैं इसके USB टाइप मतलब कि इसके मतलब कि पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ बात करता हूँ, तो इसके अंदर आपको तीन HDMI पोर्ट्स दिखेंगे, दो USB पोर्ट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, 1 AV पोर्ट और 1 ATV HDMI मतलब कि DIMB। और इसके अंदर एक और मिलता है जो कि है दोस्तों SPDIF का इनपुट का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है इसके अंदर, मतलब कि पोर्ट्स एंड बटन की तरफ। और वहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको 12.5 वोल्ट का मतलब कि 12.5 वोल्ट का यूनिट स्पीकर सिस्टम जो कि दोस्तों स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करता है, मतलब कि इसमें आपको जो स्पीकर का साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसका जो मतलब कि पीछे का सराउंडिंग म्यूजिक रहेगा बहुत ही अच्छा आएगा, जैसे कि आपको लगेगा कि थिएटर की फीलिंग ले रहे हैं, वो भी कम बजट के अंदर आप। और दोस्तों, अगर मैं इस टीवी की प्राइस रेंज की बात करता हूँ, दोस्तों प्राइस रेंज के लिए आप थोड़ा रुकिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी लॉन्च डेट बता देता हूँ। दोस्तों, जो इसकी लॉन्च डेट तो हो चुकी है, मतलब कि सॉरी लॉन्च तो हो चुकी है, पर मतलब कि ऑफिशियली रिलीज़ कब होने वाली है, कि कब से इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, इसकी सेल 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और इसका प्री ऑर्डर चालू हो गया है, मतलब कि आपके इसके प्री ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं वो भी me.com पर, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इसकी प्राइस रेंज की बात करता हूँ तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ, तो इसकी 55 इंच मॉडल की जो प्राइस है वो है दोस्तों 40,000 रुपये, और 65 इंच वाले मॉडल की प्राइस है 50,000 रुपीज़, और 75 इंच वाले मॉडल की प्राइस है दोस्तों 70,000 रुपीज़, जो कि दोस्तों बहुत ही कम बजट में आपको इतने सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं और इतने सारे आपको मतलब कि बड़ी स्क्रीन देखने को मिल रही है और एंड्रॉयड टीवी भी मिल रही है दोस्तों इसके साथ आपको, मतलब कि आप क्या। अब इसकी प्राइस तो दोस्तों जो पिछली वाली टीवी है उससे बहुत ही कम है। और दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो मी टीवी ES 2020
एडिशन के बारे में कि इसकी प्राइस क्या होगी और ये कब से इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है और सारी स्पेसिफिकेशन और सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी न्यू वीडियो की अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये टीवी कैसी लगी, इसकी प्राइस आपको कैसी लगी और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स है वो आपको मतलब कैसे लगे। और ये भी हमें बताइएगा कि आपको कौन से न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो पे मतलब वीडियो देखना चाहते हो, कौन से न्यू गैजेट से रिलेटेड आपको वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक बड़ी ईशान।